हमारे लेटेस्ट वीडियो ट्यूटोरियल से हमेशा अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक WPAcademy.pk के वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट के उर्दू ट्यूटोरियल्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम कस्टम पोस्ट टाइप को स्टडी करेंगे। अब कस्टम पोस्ट टाइप क्या होते हैं, अगर आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हैं तो आप देखें यहाँ पर, इसको मैं ज़रा लॉग इन कर लूँ दोबारा। आपके पास एक पोस्ट की टैब होती है, यहाँ पर आप नॉर्मल अपनी ब्लॉग की पोस्ट करते हैं जिनको फिर आप अपने थीम में वेबसाइट पर डिस्प्ले करवाते हैं। तो बाज़ूकात आपको ज़रूरत पड़ जाती है कि आपको अपने डाटा को कैटेगराइज़ करना पड़ जाता है। जैसा कि आप देखें कि होम पेज के ऊपर आपके पास इस वक्त सिर्फ ये ब्लॉग पोस्ट आ रही हैं, लेकिन आप थीम्स में देखते हैं कि सर्विसेज का सेक्शन होता है, टेस्टिमोनियल्स का सेक्शन होता है, पोर्टफोलियो का सेक्शन होता है। अब वो उस डाटा को ग्रुप करने के लिए हम कस्टम पोस्ट टाइप का सहारा लेते हैं, यानी कि हम एक नई पोस्ट टाइप क्रिएट कर लेते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर पोस्ट आ रही हैं, इसी तरह आपकी फिर नई पोस्ट टाइप की टैब आ जाती है, आप उसमें फिर पोस्ट करते हैं और उनको फिर जहाँ पर आप अपनी थीम में रिक्वायर्ड हो वहाँ पर उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो पोस्ट टाइप की अगर डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंटेशन और उसकी इंफॉर्मेशन के पेज पर हैं, जो कि codex.wordpress.org पे पोस्ट टाइप /लगाकर आप ये पोस्ट टाइप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये पेज आ जाएगा। अब इसमें बताया गया है कि वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट जो पोस्ट टाइप हैं, अब पोस्ट टाइप बेसिकली ये एक जेनेरिक टर्म है डाटा को कैटेगराइज़ करने के लिए। वर्डप्रेस का जो डाटा है उसको वो कैटेगराइज़ करने के लिए, ग्रुप्स करने के लिए पोस्ट टाइप टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है। डेटा सारा आपके पोस्ट के टेबल में ही सेव होता है, लेकिन हर जो डेटा सेव हो रहा है उसके साथ उसकी पोस्ट टाइप उसको कैटेगराइज़ करने के लिए लगा दी जाती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो डिफ़ॉल्ट जो पोस्ट टाइप्स हैं वर्डप्रेस की, उनमें पोस्ट, पेज, अटैचमेंट, रिवीजन, नेविगेशन मेन्यू, हाँ जी नेविगेशन मेन्यू भी पोस्ट टाइप है, कस्टम CSS और चेंज सेट्स और यूज़र डाटा रिक्वेस्ट, ये 8 जो हैं वो वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट पोस्ट टाइप्स हैं। अब जब आपने इनसे हटकर अपनी मर्ज़ी की कोई पोस्ट टाइप बनानी हो तब आप कस्टम पोस्ट टाइप का सहारा लेते हैं, जिसका बेसिक कोड यहाँ पर आपको मिल जाता है। अगर आप एज़ इज़ इस कोड को कॉपी करके अपने वर्डप्रेस की फंक्शंस की फ़ाइल में लगाएंगे तो आपके पास प्रोडक्ट्स के नाम से एक पोस्ट टाइप क्रिएट हो जाएगी। लेकिन इसका एक मोर एडवांस्ड वे है जिसमें आप मज़ीद ऑप्शंस के साथ एक कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट कर सकते हैं, हम उसको देख लेते हैं। उसके लिए आपके पास 2-3 टूल्स होते हैं ऑनलाइन जनरेटर, जो कि आपकी कस्टम और कुछ प्लगइन्स भी होते हैं, लेकिन हम प्लगइन का सहारा नहीं लेंगे क्योंकि आप थीम अपनी डिवेलप कर रहे हैं तो उसमें आप प्लगइन मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि प्लगइन कोई दूसरा इंक्लूड ना करवाना पड़े, आपकी थीम में ही सारे फीचर्स, बेसिक फीचर्स, विजेट्स और कस्टम पोस्ट टाइप्स वगैरह आपकी थीम के अंदर ही रजिस्टर्ड हों। अब उसके लिए जो हम इस ट्यूटोरियल में टूल यूज़ करेंगे वो है WP Hasty। सिंपल आप WP-Hasty.com के ऊपर आएँ और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जनरेटर्स मिल जाते हैं। ये एक यूज़फुल टूल है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें वर्डप्रेस में जनरेट करने के लिए, मेन्यू जनरेटर, टैक्सोनॉमी जनरेटर, कस्टम पोस्ट टाइप जनरेटर। हम ये कस्टम पोस्ट टाइप जनरेटर इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा ये और जो है वो आप विजुअल कंपोज़र के इवन एलिमेंट्स भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से फ़िलहाल कस्टम पोस्ट टाइप जनरेटर पर आते हैं और यहाँ से सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास फॉर्म होता है जिसमें आपने कुछ डाटा इनपुट करके आपको बना बनाया कोड मिल जाता है जिसको आप सिंपल अपनी थीम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें नेम सिंगुलर है कि आप देखें कि ये इसका टैब नेम है, इस तरह से ये इसके जितने लेबल्स हैं वो उससे रिलेटेड आप यहाँ पर इसका दे सकते हैं। जैसे कि मैं अभी कहता हूँ सिंगुलर में इसका नेम सर्विस और प्लूरल में इसका नेम सर्विसेज। इसके बाद इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, इसके बाद आप अपनी थीम का टेक्स्ट डोमेन यहाँ पर पास करें। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि हमने अपनी थीम का टेक्स्ट डोमेन क्या रखा हुआ है। हम यहाँ से ये हमारे थीम का टेक्स्ट डोमेन WP Learning इस्तेमाल कर लेते हैं।
अब इसमें कुछ इसकी ऑप्शंस हैं, सिंपल चेक बॉक्सेस हैं, आप इनकी इन्फॉर्मेशन, ये छोटा सा क्वेश्चन मार्क हर ऑप्शन के सामने नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर माउस ओवर करें तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि ये किस लिए है। तो आप यहां से अपनी जो रिक्वायर्ड या डिजायर्ड ऑप्शंस हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कैपेबिलिटी टाइप पोस्ट पेज नहीं रखेंगे, इसको पोस्ट रखेंगे। उसके बाद सपोर्ट, अब यहाँ पर आप जिस जिस चीज़ की सपोर्ट ऐड करेंगे वो एरिया आपकी उस पोस्ट टाइप में अवेलेबल होगा। जैसे कि अगर आप नॉर्मल कोई ऐड न्यू पोस्ट करते हैं तो आप देखें यहाँ पर ये सारे सपोर्टेड जो है वो फीचर्स हैं इस पोस्ट टाइप के, यानी कि टाइटल का, ये कंटेंट का, ये कैटेगरीज, टैग्स, फीचर्ड इमेज और इस तरह से ये सारे इसके सपोर्टेड फीचर्स हैं, सपोर्ट्स हैं। तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं जो जो आपको अपनी पोस्ट टाइप के लिए चाहिए। बाज़ अवकात काफ़ी सारी पोस्ट टाइप होती हैं उनमें आपको एडिटर कंटेंट नहीं चाहिए होता है, एट्रीब्यूट्स नहीं चाहिए होते, फॉर्मेट्स नहीं चाहिए होती है, कस्टम फील्ड नहीं चाहिए होती, तो यहाँ से आप उनको चेक ही ना करें। तो हमें इसका टाइटल चाहिए, एडिटर भी चाहिए, एक्सर्ट भी चाहिए, फीचर्ड इमेज भी चाहिए, रिवीजन इसके हमें नहीं चाहिए, ऑथर हमें इसके नहीं चाहिए, और कमेंट्स, ट्रैकबैक्स, पेज एट्रीब्यूट्स, पोस्ट फॉर्मेट्स इसको हम इनेबल कर लेते हैं। उसके बाद टैक्सोनॉमीज़, अब यहाँ पर टैक्सोनॉमी सिलेक्ट कर सकते हैं कि इस टैक्सोनॉमीज़ क्या होती हैं, कि वर्डप्रेस में आप देखेंगे कैटेगरीज, टैग्स, ये टैक्सोनॉमीज़ होती हैं। अगर आप इस पोस्ट टाइप को कैटेगरीज और टैग्स टैक्सोनॉमीज़ जो है वो देना चाह रहे हैं तो आप वो भी यहाँ पर इसको दे सकते हैं। कैटेगरी टैक्सोनॉमी इसको दे देता हूँ। ओके, टैग भी हम इसको दे देते हैं। उसके बाद यहाँ से आप उस पोस्ट टाइप का आइकन चूज़ कर सकते हैं। आप देखें कि यहाँ पर हर टैब के साथ उसका एक आइकन अपीयर हो रहा है, आप यहाँ से कोई भी आइकन चूज़ कर सकते हैं। ये वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट डैश आइकन्स होते हैं। यहाँ से हम सर्विसेज से रिलेटेड कोई आइकन मिलता जुलता जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो सर्विसेज को, हम उसको चूज़ कर लेते हैं। मैं यहाँ से ये अवार्ड्स वाला ये आइकन चूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो सिंपल, जैसे ही आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो इसका कोड ऑटोमेटिकली राइट साइड पर जनरेट हो रहा होता है। सिंपल, आप कॉपी टू क्लिकबोर्ड करें, क्लिकबोर्ड, तो अब आपका ये कोड कॉपी हो चुका है। अब सिंपल आपने इसको अपने वर्डप्रेस की functions.php की फ़ाइल में, अब तो बजाय इसके इतना लंबा कोड आप functions.php की फ़ाइल में डायरेक्ट टाइप करें, इसका जो बेस्ट वे है वो ये है कि आप एक नई फ़ाइल क्रिएट करें php की। और इसको आप सेव कर लें, INC में हम सेव कर लेते हैं। services.php के नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूं। और अब हम इसको functions.php में इंक्लूड करवा लेते हैं। यही इंक्लूड का कोड कॉपी करते हैं। मैं यहां पर INC से services.php की फाइल को इंक्लूड कर देता हूं। अब अगर आप अपने डैशबोर्ड में वापस आएँ और डैशबोर्ड को रिफ़्रेश करें तो आप देखें यहाँ पर आपके पास सर्विसेज के नाम से एक नई पोस्ट टाइप आ गई है। और आप देखें उसमें कैटेगरीज टैक्सोनॉमी जो है वो आ रही है। टैग्स का आई थिंक हमारे पे कुछ हमारे से स्पेल मिस्टेक हो गया होता, आप टैग्स के लिए आप टैक्सोनॉमी का नेम देखने के लिए का टैक्सोनॉमी का जो नेम है वो पोस्ट टैग है। हम अपने इस कोड में आते हैं सर्विसेज, अब यहाँ से आप इसकी तमाम जो अब जनरेटेड कोड है इसमें आप इसको देखकर यहाँ से अपनी मर्जी से चेंजेस कर सकते हैं उसके डिफरेंट लेबल्स में, उसके डिफरेंट ऑप्शंस में। तो यहाँ पर तो आप देखें सर्विसेज में भी आपके पास टैग्स भी आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर अब आप जो भी पोस्ट नहीं ऐड करेंगे वो इस सर्विसेज की टैब में आ जाएगी। आप ऐड न्यू पर क्लिक करें तो आप देखें जो ऑप्शंस आपने सिलेक्ट की थी वही ऑप्शंस और फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। जैसे कि मैं इसको यहाँ पर आप कह देता हूँ Service 1, और यहाँ से मैं कुछ टेक्स्ट
जनरेट करवा के उसको कंटेंट में और एक्सर्ट में इस्तेमाल कर लेता हूँ, और फीचर इमेज भी कुछ सेट कर देते हैं। सपोज मैं ये फीचर इमेज सेट कर देता हूँ इसे, और इसको हम पब्लिश कर देते हैं। अब ये आपकी पोस्ट टाइप क्रिएट हो गई और आपने पोस्ट भी पब्लिश कर ली, और आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। सेम जैसे ये पोस्ट वर्क करती हैं, इसी तरह ये वर्क करेगी। अब आ जाते हैं इसके यूजेज। पोस्ट टाइप हमने क्रिएट कर ली, पोस्ट करना भी सीख ली। अब इसको अपनी थीम में आप कस्टम पोस्ट टाइप को डिस्प्ले कैसे करवाएंगे, उस तरफ आ जाते हैं। तो डिस्प्ले करवाने के लिए बहुत ही आसान मेथड है। आपने थीम डेवलपमेंट के लेक्चर कोर्स का फॉलो करते आ रहे हैं तो आपने देखा होगा होम पेज पर हमने एक सेक्शन क्रिएट किया था, जहाँ पर हम ब्लॉग डिफरेंट कैटेगरीज से ब्लॉग पोस्ट लेकर आ रहे थे, जिसमें हमने WP क्वेरी को इस्तेमाल किया था। तो सेम एज इट इज़ हम इसी WP क्वेरी को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और ब्लॉग पोस्ट से ऊपर हम यहाँ पर एक नया सेक्शन क्रिएट करते हैं। होम सर्विसेज के नाम से इसको भी हम रो कह लेते हैं। मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट इसका जीरो कर देते हैं, और यहाँ पर हम फिलहाल क्या करते हैं, सिंपल इस क्यूरी को इस अपने WP क्वेरी को कोड को पेस्ट करते हैं। और अब आपने करना क्या होता है कि यहाँ पर तो हमने कैटेगरी वाइज इसको फेच किया था डाटा को, तो अब कैटेगरी के बजाय हम सिंपल यहाँ पर पोस्ट अंडरस्कोर टाइप करते हैं, और यहाँ पर आप उस पोस्ट टाइप का नेम दे दें जिस पोस्ट टाइप का डाटा आप इस WP क्वेरी को फेड करना चाह रहे हैं। तो आप अगर सर्विसेज पे आएँ तो आप देखेंगे ये आपके पास टॉप पर एक वेरिएबल है पोस्ट टाइप का, और इसमें हमारी जो पोस्ट टाइप नेम है एक्चुअल वो सर्विस है। तो हम यहाँ से सर्विस इसको पास कर देते हैं, और अब अगर हम इस पेज को रीलोड करें तो आप देखें यहाँ पर उस सेक्शन में अब आपके पास सर्विसेज की पोस्ट टाइप से आपके पास डाटा यहाँ पर आ रहा है। अब पीछे रह जाता है सिर्फ इसको स्टाइल करना, वो HTML CSS है, आप बखूबी जानते हैं। ये हमारे पास लूप लगा हुआ है, हम यहाँ से इसको इसकी HTML CSS मॉडिफाई करके इसको अपनी मर्जी से स्टाइल करके डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो मैं इसको सर्विस रो की बजाय हम इसको कॉल कर लेते हैं। अब इसको कॉलम्स में ले जाते हैं, हम कॉल फॉर इस्तेमाल कर लेते हैं, और इसके अंदर जो कॉलम हैं हम इनको फुल विड्थ इस्तेमाल कर लेते हैं। और इसकी थोड़ी सी CSS हम मॉडिफाई कर लेते हैं, इसमें थंबनेल के बजाय हम इसको मीडियम साइज का थंबनेल ले आते हैं। ये हमने कुछ इसको स्टाइल कर लिया। अब इस तरह से जितनी पोस्ट आती जाएंगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अलाइन होती जाएंगी, और हमने इसको लिमिट भी लगानी है। पोस्ट पर पेज ऑलरेडी 3 लगी हुई है, हम 3 से ज़्यादा सर्विसेज डिस्प्ले नहीं करवाएंगे। लेटेस्ट 3 सर्विसेज जो हैं वो हमारी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पर 2 सर्विसेज मज़ीद ऐड कर लेता हूँ, इसको भी हम फीचर में सेट कर लेते हैं। तो मैं फ़िलहाल सेम फीचर में सारों को सेट कर देता हूं। आप आइकन सेट कर सकते हैं जिस तरह से आपको मुनासिब लगे, आप उस तरह से अपनी सर्विसेज में पोस्ट टाइप्स जो हैं इमेज या आइकन इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो आप देखें आपके पास अब ये आप इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं WP क्वेरी की। आप अगर क्या कहते हैं टैग्स को और ऑप्शंस को स्टडी करें तो आप यहां से ऑर्डर में इसका डिसेंडिंग करके देखते हैं। ओके डिसेंडिंग ऑलरेडी था तो हम असेंडिंग ऑर्डर किया तो अब आपके पास यहाँ पर इस तरह से सर्विसेज आ रही हैं। तो ये सिंपल हमने देख लिया कस्टम पोस्ट टाइप बनाना और फिर उसकी पोस्ट को डिस्प्ले करवाना भी सीख लिया, जो कि निहायत ही आसान है। सिंपल WP क्वेरी जो आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, आपने एक और पैरामीटर जस्ट पास करना होता है जो पोस्ट टाइप का होता है, और आप पोस्ट टाइप नेम देते हैं और वो उस पोस्ट टाइप से आपका डाटा उठा लेता है। अब इसमें एक और चीज़ होती है, कस्टम पोस्ट टाइप टेम्पलेट्स होते हैं। अब अगर आप नॉर्मली इस सर्विस के एक पे क्लिक करेंगे, ओके, जब आप कोई कस्टम पोस्ट टाइप बना लें तो एक दफ़ा आप क्या करें, जैसे अभी आपके सामने हमारे पास एरर आ गया है नोट फाउंड का। कस्टम पोस्ट टाइप बनाने के बाद आप एक दफ़ा अपनी पोस्ट का प्रमालिंक अपडेट कर लिया करें। हम वैसे भी इसको अपडेट करते हैं, पोस्ट नेम चूज़ करते हैं, सेव चेंजेस, आप दो दफ़ा बस सिंपल सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप देखें अब आपकी सर्विस लिस्ट हो रही है। तो अब ये जो टेम्पलेट या लेआउट इस्तेमाल करेगी वो आपके सिंगल डॉट PHP का इस्तेमाल करेगी। अगर आप और जो इसका आर्काइव का लेआउट होगा वो भी वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट archive.php में जो आपका डिफाइन होगा वो इस्तेमाल करेगी। अगर आप अपने इस पोस्ट टाइप के लिए स्पेसिफिक लेआउट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, यानी कि जब कोई सिंगल सर्विस ओपन हो तो आप जैसे आपका नॉर्मल ब्लॉग पोस्ट ओपन हो रहा है जो, या जो नॉर्मल ब्लॉग पोस्ट का लेआउट है आपकी थीम में, आप उसको इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, आप सर्विस के सिंगल पेज के ऊपर और सर्विस के आर्काइव के ऊपर कोई अपना कस्टम लेआउट उस पोस्ट टाइप से रेलेवेंट कोड करना चाह रहे हैं लेआउट और उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो वो करना निहायत ही आसान है। आपने क्योंकि वर्डप्रेस एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें आपको ज़्यादा खपने की और बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कहाँ क्या करो। आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो ये टेम्पलेट हायरार्की में सिर्फ फाइल नेम के साथ आप वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेता है और इस्तेमाल कर लेता है। जैसे सिंगल पोस्ट, किसी कस्टम पोस्ट टाइप के सिंगल लेआउट को आपने जब वर्डप्रेस को बताना हो कि भाई ये लेआउट उठाओ, तो आप जो आपका एग्जिस्टिंग सिंगल .php की फाइल है ये वाली, आप इसको सिर्फ कॉपी करें, पेस्ट करें और इसको आप रीनेम कर दें। रीनेम कैसे करें कि जो आपका सबसे पहले आप लिखेंगे सिंगल, उसके बाद एक आप डैश देंगे और फिर आप टाइप करेंगे अपनी उस पोस्ट टाइप का नेम। जैसे आपने पोस्ट टाइप WP क्वेरी में पोस्ट टाइप में वो जो नेम पास किया था, वही सेम नेम सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, सिंगल service.php और आर्काइव को भी आप इसी तरह डुप्लीकेट बनाएं और आर्काइव ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप सिर्फ यहां से ये हम इसकी कॉपी के टेक्स्ट को रिमूव करते हैं और वही आर्काइव डैश अपनी उस पोस्ट टाइप का नेम। तो अब वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि भाई ये अब नॉर्मल सिंगल .php और इस सिंगल .php में फ़र्क देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस फाइल को एडिट करते हैं और मैं यहाँ से इसका जो फीचर्ड इमेज है इसको फ़िलहाल रिमूव करता हूँ। और एक दफ़ा फिर आपने परमालिंक ज़रूर अपडेट कर लेने हैं जब आप ये कोई टेम्पलेट फाइल्स बनाएं सर्विस की, इसको रीलोड करते हैं। तो अब आप देखें आपकी सर्विस के टेम्पलेट के पेज सिंगल सर्विस के ऊपर से पोस्ट का थंबनेल गायब हो चुका है। अगर आप नॉर्मल होम पेज पर आएं और किसी पोस्ट को विजिट करें तो आप देखें आपके पास ये सिंगल .php आ रही है, लेकिन अगर आप ये सर्विस पर आएं और सर्विस को ओपन करें तो यहां से अब आपके पास सिंगल डैश service.php की फाइल आ रही है। तो ये हमने एक ही लेक्चर में कस्टम पोस्ट टाइप बनाना भी सीख ली, उसकी पोस्ट को डिस्प्ले करवाना भी सीख लिया अपनी थीम की फाइल में, टेम्पलेट में, जहां मर्जी आप डिस्प्ले करवाएं WP क्वेरी के जरिए, और हमने उसकी टेम्पलेट फाइल्स को भी साथ ही देख लिया कि उसके सिंगल लेआउट को और आर्काइव लेआउट को मैनेज करने के लिए सिंपली आपने दो फाइल्स क्रिएट करनी होती हैं, सिंगल डैश service postname.php और archive-postname.php।
PHP। तो ये लेक्चर यहाँ पर अब वाइंड करते हैं कस्टम पोस्ट टाइप का। अब आप अपनी थीम के लिए कस्टम पोस्ट टाइप बना सकते हैं, जैसे कि सर्विसेज, ब्रांड्स, टेस्टिमोनियल्स, प्रोडक्ट्स, या इस तरह से कोई भी कस्टम पोस्ट टाइप जो आपको अपने थीम से रिलेटेड चाहिए, वो आप उसको अब क्रिएट करके उनको डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद चीज़ों को, ये हम बेसिक्स सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं वन बाई वन। मैं आपको इसलिए डिटेल में हर एक चीज़ का एक लेक्चर बनाकर बता रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में जब हम जो लेक्चर्स बनाएंगे वो प्रॉपर थीम डेवलप करेंगे। हम हाई एंड थीम जैसे होते हैं, उस तरह से हम किसी HTML का बना बनाया लेआउट उसको कन्वर्ट कर रहे होंगे, या किसी PHP को कन्वर्ट कर रहे होंगे, तब ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पता होनी चाहिए, मैंने बताई होंगी। सिंपल हम फिर वहाँ पर यूज़ करते जा रहे होंगे, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ताकि आपको हम फिर हाई एंड थीम्स बनाना भी साथ ही सिखाएं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।